ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार को पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उन्होंने पद की गोपनीयता की शपथ अब दिलानी है। रविवार को 9 जून को नरेंद्र मोदी शाम 7:15 पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। बता दें आपको, शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन का न्योता दिया। राष्ट्रपति ने मोदी को दही चीनी खिलाकर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा। इससे पहले आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। आपको 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जश्न की तस्वीरें। पीएम को एक बार, मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर बिठाने के दौरान की पूरी प्रक्रिया आप कहेंगे। ये 5 तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी संसद भवन में भव्य इनका स्वागत हुआ। संसदीय दल का नेता चुना गया इन्हें। एनडीए के सभी सांसदों ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया और स्वागत भाषण भी उन्होंने दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम, इनके नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इनका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा काशी का हो सकता है। 2014-2019 की तरह इस बार भी पीएम मोदी पहले काशी जा सकते हैं। जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना।
नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वो 10 जून को वाराणसी जा सकते हैं। बनारस के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी के पहले दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और काशी की जनता का आभार जताने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में मथा टेक सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी के दौरे पर आएंगे। काशी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री को सांसद बनाया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री काशी का आभार व्यक्त करने के लिए काशी आ रहे हैं। 10 और 11 जून को लेकर अभी प्रारंभिक तैयारियां चल रही हैं। 2014 में भी पीएम बनने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर नए सफर के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया था। नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी विशेष विमान से 10 जून को वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी कर सकते हैं और एक सभा भी कर सकते हैं। फिलहाल संगठन ने भी कई कार्यक्रम तैयार किए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के, एहतराम के, और तमाम सारे कार्यक्रमों को प्रशासन को सौंपा गया है। अब उस जगह के निर्धारण हो रहा है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, तो 10 और 11 जून को यानी कि शपथ लेने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी पहुंचेंगे और अपनी काशी का आभार व्यक्त करेंगे। इसको लेकर काशी के लोग भी और भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीता है। वाराणसी के बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली आकर पीएम मोदी को जीत का सर्टिफिकेट दिया है। पीएम मोदी ने वाराणसी के बीजेपी के नेताओं से बातचीत भी की है। जीत के बाद उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को जीत का सर्टिफिकेट चुनाव अधिकारी सौंपते हैं। पीएम मोदी की जगह उनके प्रतिनिधियों को चुनाव अधिकारी ने जीत का सर्टिफिकेट सौंपा था, तो सर्टिफिकेट अब उनके प्रतिनिधियों और बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को सौंपा है।